अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो बात करनी है आपसे एक जो टॉपिक है, 9 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें नेशनल सेविंग्स की तरफ से अपने जो मंथली सर्टिफिकेट्स होल्डर या अकाउंट होल्डर जो थे उनको कहा गया था कि 31 अगस्त तक आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा लें नेशनल सेविंग में। तो इस बारे में कुछ क्यूरीज आई थी तो मैंने सोचा सबका इसमें एक जवाब दे दूं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो ये अनाउंसमेंट हुई है कि 31 अगस्त के बाद प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट कूपन के जरिए या विड्रॉल स्लिप के लिए, तो वो सिर्फ माहाना जो अकाउंट्स हैं यानी पेंशन बेनिफिट अकाउंट, बेबू सेविंग सर्टिफिकेट्स और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स, इनके लिए कहा है। बाकी स्पेशल सेविंग्स या डिफेंस सेविंग्स या शॉर्ट टर्म, इनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो यहां तक इतनी बात क्लियर है कि सिर्फ मंथली स्कीम के लिए है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं हमें क्या, उससे क्या फायदा, हमें क्या जरूरत है खोलने की, हमारा बैंक में अकाउंट है, हम वो कूपन अपने बैंक में दे देते हैं और वहां से उसे हम प्रॉफिट ले लेते हैं। देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है, इससे आपको फर्क पड़ेगा भी और फर्क नहीं भी पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा वो अच्छाई की तरफ पड़ेगा। आपका अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में आ गया, आपने सेविंग्स अकाउंट का चेक दिया नेशनल सेविंग्स में ही और प्रॉफिट ले लिया। आपके पास पहले 10-10, 5 या 20-20, 30-30 बुक्स होती थी, उसमें जितना टाइम लगता था इसमें टाइम आपका बच गया। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात ये भी होता था कि आपने अपना कूपन जो है किसी बैंक में क्लीयरेंस के लिए भिजवा दिया, बैंक के थ्रू भिजवाया। अब क्या होता है, आपका प्रॉफिट जो है वो डिफर कर जाता है, रेट्स रिवाइज होते हैं या किसी और वजह से आपका प्रॉफिट डिफर करता है, फिर वो वापस आ जाता है वो कूपन के, नहीं जी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, फिर आप उसे ठीक करके भेजते हैं, फिर वो क्लियर होता है। अगर आपको पता है तो आप खुद ठीक करेंगे, नहीं तो फिर नेशनल सेविंग से ही आप रिज्यू करेंगे जी कितना प्रॉफिट था, क्या गलती है इसमें। तो आप जब सेविंग्स अकाउंट का जितने का भी चेक भेजेंगे वो उसमें क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कम का भेजा तो ज्यादा अमाउंट जो बची हुआ सेविंग्स अकाउंट में रहेगी। हाँ, आपके बैलेंस से ज्यादा चेक नहीं होना चाहिए, बस कम हो कोई बात नहीं है। फिर तीसरी फैसिलिटी सेविंग्स अकाउंट से आपको एटीएम की मिल रही है कि आप एटीएम कार्ड इशू करवाएं, कहीं से भी ले लें प्रॉफिट, किसी वक्त भी ले लें, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। ये आपकी सहूलत के लिए किया गया है। देखें, स्टाफ भी कम होता है, स्टाफ के पास काम ज्यादा हो जाता है, टाइम लगता है, टाइम भी आपका बचेगा और आपको बदरेशन नहीं होगी। ये बात मैंने कल सोचा क्लियर कर दूं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।